आज हम मेथी खाकरा बनाएंगे जो खाने में बहुत टेस्टी और क्रिस्पी बनते हैं। आप इन खाकरा को सुबह नाश्ते में या शाम की चाय के साथ ले सकते हैं। आप इन खाकरा को बनाकर किसी एयर टाइट कंटेनर में भरकर रख दीजिए, 10 से 15 दिनों तक आराम से खा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं घर पर मेथी खाकरा कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले हम एक बड़ा बर्तन लेंगे और उसके अंदर 2 कप गेहूं का आटा डालेंगे। स्वादानुसार नमक डाल देंगे। आधी छोटी चम्मच लाल मिर्ची का पाउडर डालेंगे। आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटा चम्मच जीरा, 2 बड़े चम्मच हम कसूरी मेथी लेंगे, 2 बड़े चम्मच हम इसमें रिफाइंड ऑयल डालेंगे। एक बार सब चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सब चीजें अच्छे से मिक्स हो गई है। अभी हम 1 कप पानी लेंगे और धीरे धीरे करके इसके अंदर पानी डालेंगे। और फ्रेंड्स, हम खाकरा के लिए मीडियम डो लगाएंगे, ना तो ज़्यादा सॉफ्ट होना चाहिए और ना ज़्यादा टाइट रहेगा। अभी हम डो को ढककर 10 से 15 मिनट के लिए रख देते हैं कि डो अच्छे से सेट हो जाए। लगभग 15 मिनट हो गए हैं। 1 छोटा चम्मच ऑयल लेंगे। अभी हम डो को अच्छे से मसल लेंगे जिससे डो एकदम स्मूथ हो, चिकना हो जाएगा और जब हम खाकरा बनाएंगे तो उसमें क्रैक्स नहीं आएंगे। अभी हम थोड़ा सा आटा लेंगे और उसे हम ऐसे गोल कर लेंगे। लोई पर हम दोनों तरफ सूखा आटा लगाएंगे और इसे बेलेंगे। और फ्रेंड्स, खाकरा बेलते समय आपको इसे कहीं से मोटा या कहीं से पतला नहीं करना है, या साइडों से मोटा हो गया और बीच से पतला, हमें इसे चारों तरफ से एक जैसा बेलना है। और जैसे हम डेली फ्रेंड्स रोटी बनाते हैं ना, उससे भी पतला हम खाकरा को बेलेंगे। और आप देख सकते हैं मैंने खाकरा को कितना पतला बेला है। अभी खाकरा को एक जैसी शेप देने के लिए मैंने गोल साइज का ढक्कन लिया है। अभी हम ऊपर से प्रेस करेंगे और इस साइड वाले आटे को हम डो में मिला देंगे। और देखिए, गोल साइज का खाकरा बिल्कुल तैयार है और कितना बढ़िया लग रहा है। अभी हम इसे तवे पे डालेंगे। तो तवा मैंने पहले ही गर्म होने के लिए रख दिया था। तवा बिल्कुल हल्का गर्म है और आप देखिए ये ऊपर से ड्राई हो गया है, तो हम इसे पलट लेंगे और नीचे से भी हम इसे हल्का सा सिकने देंगे। और देखिए दूसरी तरफ से भी ये हल्का सा सिक चुका है और फ्लेम को लो रखेंगे। अभी हम एक कपड़ा लेंगे और इसे ऐसे प्रेस करेंगे। खाकरे को हम ऐसे दोनों तरफ से कपड़े से प्रेस कर करके सेकेंगे और दोनों तरफ से गोल्डन कलर आने तक हम इसे ऐसे ही सेक लेंगे। एक खाकरे को सिकने में फ्रेंड्स 4 से 5 मिनट लग जाते हैं। बहुत ही बढ़िया खाकरा बनता है। और देखिए आप दोनों तरफ से कितना अच्छा सा कलर आ गया है। खाकरा बिल्कुल तैयार है। देखिए आप कितना बढ़िया बना है। अभी एक दूसरा खाकरा और मैं आपको दिखाती हूँ। दूसरा खाकरा भी बिल्कुल तैयार है। सारे खाकरे हम ऐसे ही तैयार कर लेंगे। और सारे खाकरे फ्रेंड्स मैंने बना लिए हैं और आप देखिए 2 कप में कितने सारे खाकरा बनके तैयार हो गए हैं। तो बहुत ही बढ़िया रेसिपी है फ्रेंड्स। बहुत ही अच्छे खाकरा बनते हैं घर पर और ये बच्चों को, बड़ों को, सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। तो एक बार आप जरूर ट्राई करके देखिएगा। यदि आपको आज की रेसिपी मेरी पसंद आए, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ। बाय बाय।